हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अपने वीवो T3X 5G फ़ोन में ऐप हाइड सेटिंग का किस तरीके से यूज़ करें और आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप को हाइड कैसे करें। अगर आपको भी आपके फ़ोन की होम स्क्रीन से किसी भी ऐप को हटाना है या फिर छुपाना है तो वो आप इस सेटिंग से काफ़ी आसानी से कर सकते हो। आज के इस वीडियो में आप लोग को इसके बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो आपको नीचे एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस, आपको इस फोन में ऐप हाइड सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। आप जिस ही फोन की सेटिंग को ओपन करोगी तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली स्वाइप करके नीचे आना है। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन होगा सिक्योरिटी का, तो आपको सिक्योरिटी पर एक बार क्लिक कर देना होगा। आप जिस ही सिक्योरिटी पर क्लिक करोगी तो यहीं पर आपको स्वाइप करके थोड़ा और नीचे आना है। यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपका ऐप लॉक का पासवर्ड अगर आपने सेट किया होगा तो वो दे देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एकदम नीचे का ऑप्शन होगा ऐप हाइडिंग का, तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन की सभी ऐप्स होने लग जाएगी। तो आपको यहाँ पर जिस भी ऐप को यहाँ पर हाइड करना है, जैसे कि यहाँ पर जो एल्बम ऐप है मैं उसे हाइड करना चाहता हूँ, तो इसके सामने बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कन्फर्म वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके फ़ोन में जो एल्बम ऐप होती है वो हाइड हो जाएगी। और इसके बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन होगा व्यू हाइडन ऐप का, तो ये बटन आप यहाँ से ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको इस ऐप को देखना हो तो आप यहां से देख पाओ। इतना करने के बाद आपको आपके होम स्क्रीन में जाना है, जो एल्बम ऐप होती है वो यहां से हट जाएगी। इसके बाद अगर कभी आपको इस ऐप को देखना है तो आपको जो होम स्क्रीन होती है वहां पर टू फिंगर स्वाइप अप करना है ऊपर साइड, और आपको यहां पर जो भी ऐप लॉक का पासवर्ड है वो देने के बाद उस ऐप को यहां पर आप ओपन या फिर यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।